सो गाइस, मैंने देखा दोबारा से पोकेमोन का लास्ट एपिसोड, वो भी 0.25x की स्पीड पे। एंड मैंने बहुत सारी डिटेल्स को नोटिस किया जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। यानी कि पोकेमोन एपिसोड 1223 मेन एनिमे सीरीज का आखिरी एपिसोड। ये एपिसोड देखने के बाद मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहते। आई डोंट नो कि यार मैं इस वीडियो को कम्प्लीट भी कर पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो मीन्स ये वीडियो कम्प्लीट हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, शुरू करते हैं। तो पहली डिटेल ये निकल के आती है कि यार ये एपिसोड एशियन पिका चुका ही नहीं बल्कि टीम रॉकेट का भी लास्ट एपिसोड था यार। बट मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पे लोग जो है टीम रॉकेट को मिस नहीं कर रहे हैं। भाई इतना एहसान फ्रामोस कोई कैसे हो सकता है? भाई यार एस किसम ने तुम्हारा चाइल्डहुड बनाया, आई अग्री, लेकिन टीम रॉकेट ने भी तो तुम्हारा चाइल्डहुड बनाया यार। उल्टा यार टीम रॉकेट ने अपने आप को बदनाम किया, अपने आप को चोट पहुंचाई तुम्हें हंसाने के लिए। भाई यार आई अग्री वो विलन है, लेकिन यार वो दिल के अच्छे हैं तो उनको भी एक बार मिस कर लो यार कमेंट बॉक्स में जाके। एंड अगली डिटेल के बारे में बात किया जाए तो यार ये पोकेमोन M2B मास्टर का पहला एपिसोड था और आखिरी एपिसोड था जहाँ पे लेटियोस एंड लेटियास अपीयर नहीं हुए। यानी कि यार एपिसोड 11 को छोड़कर बाकी 100 एपिसोड में लेटियोस लेटियास आए बट इस एपिसोड में नहीं आए, समझ रहे हो ना दया। और इस वाले लास्ट एपिसोड में एक इंपॉर्टेंट हिडन डिटेल थी जो कि तुमने अपनी मासूम आंखों से मिस कर ली थी, मैं बताता है। और वो ये है, द एंड इज बिगनिंग एंड बिगनिंग इज एंड, मतलब अंत ही शुरुआत है और शुरुआत ही अंत है। बताता हूँ कैसे। तो यार ये वाले एपिसोड में हमने देखा एक किस्म पिछले टर्न में आ जाता है, वो घर पे सो रहा होता है और उनकी यार घर की रूफ के ऊपर डोरटियो बैठा हुआ होता है और एक किस्म की नींद खुलती है और वो अपने पजामा में आधी नींद में ओजी पजामा में भागता है प्रोफेसर की लैब के अंदर। ये सेम टू सेम काम जो है हुआ था पोकेमोन के फर्स्ट एपिसोड आई चूज यू में। और इसी से मुझे याद आया कि आई चूज यू एपिसोड में एक सॉन्ग का यूज हुआ था और वो था पोकेमोन रेड एंड ग्रीन का सॉन्ग, और वो सेम सॉन्ग यार इस वाले लास्ट एपिसोड में रीयूज हुआ है। तो समझ जाओ अंत ही शुरुआत है और शुरुआत ही अंत है। इसका रेफरेंस हमको और ज्यादा कड़क हो जाता है लास्ट के सीन में जहां पे लिखा हुआ आता है नेक्स्ट टाइम ए न्यू बिगनिंग। और अगली डेल निकल के आती है कि भाई मिस्टी एम ब्रो का जो गुड बाई सीन था ये वाले एपिसोड में वो सेम टू सेम था पोकेमोन एपिसोड 273 में जहाँ ब्रो के मिस्टी का गुड बाई हुआ था और वहाँ पर भी रोना आया, लेकिन इस बार और भी ज़्यादा रोना आया बिकॉज हमको पता था इस बार मिस्टी एम ब्रो तो जा ही रहे हैं, साथ में एज खत्म भी जाने वाला है। एंड जब तुम इस एपिसोड को दोबारा देखोगे तो इस सीन की अहमियत को तुम अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगली डेल के बारे में बात किया जाए तो ये पोकेमोन का लास्ट एपिसोड है जहाँ पर वो ट्रेसी से मिला। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ओनली मैक्सी ऐसा पोकेमोन मेल कैरेक्टर है एस का फ्रेंड में से जो कि अभी तक एस के से नहीं मिला था पोकेमोन जर्नीज में। ओ बेदर्दिया, मतलब क्या हो गया है, मैं बता रहा हूँ एस के जो है अपना बदला ले रहा है। मतलब जिस तरीके से मैक्स ने यार एस की इंसल्ट की थी जोटो रीजन के बाद होविन लीग में, भाई साहब बता रहा हूँ मजा आ गया है मुझे। अच्छा हुआ तो वो शैतान बालक मैक्स से नहीं मिला, ऐसे शैतान बालक मुझे पसंद नहीं है, बता रहा हूँ मैं साला चश्मिस कहीं का। अरे जोकिंग यार। अगली डिटेल बोलती है तुम्हें पता होगा शायद से कि नॉकटाउली इकलौता एस का फ्रैंक टाइप पोकेमोन है जो कि इस एपिसोड में अपीयर नहीं हुआ। बेचारे के साथ क्या दुश्मनी है यार, मेरा फेवरेट है यार जानते हो ना तुम, लेकिन वो वापस नहीं आया। अगली डिटेल निकल के आती है कि भाई यार ये फर्स्ट टाइम है जब यार ट्रेसी का कोई पोकेमोन उसकी ओनरशिप के अंदर इवोल्व हुआ। मैं बात कर रहा हूँ वेनोनेट के बारे में, चूंकि अच्छी बात है। और यार जेसी एंड जेम्स ने भाई यार फोर्थ वॉल को ब्रेक किया, समझ रहे हो ना, फोर्थ वॉल को ब्रेक करना कितनी इंपॉर्टेंट बात है। एंड उन्होंने ये लास्ट एपिसोड में किया जिसको देखकर मुझे लगा आय हाय, लेकिन हाय हाय आखिरी बार ये दिख रहे हैं, बट रोना आ जाएगा रहने दो, उसको मैं याद नहीं करता। बट एक सीन तो मैं बताऊंगा जो कि मेरे इस रोने को कम कर देगा, और वो है कि यार यहाँ पे हमको पिजियोट पहली बार फिजिकल रूप में देखने को मिला, वो भी पैलेट पार्टी पेनिक के एपिसोड के बाद में। भाई लिटरली 1151 एपिसोड के बाद में हमारे हीरो पिजियोट यहाँ पे अपीयर हुआ और उसने रिजॉइन भी कर ली एस की टीम को। मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन यहाँ पे सीक्रेट हिडन डिटेल है जिसके ऊपर पूरी की पूरी एक सेपरेट वीडियो बन सकती है अगर तुम बोलो तो। यार पिजियोट के रिटर्न के ऊपर जो हिडन डिटेल थी वो मैं तुम्हें बता दूंगा, सीक्रेट क्या था इसके पीछे का वो भी मैं तुम्हें बताएगा। और साथ में पहली बार हमको एनिमे सीरीज में पता चला कि पोकेमोन मास्टर होता क्या है, कुछ नहीं एक कदम सपने देख रहा है, मन से बातें बना रहा है, इसका पर्दाफाश भी मुझे करना ही पड़ेगा, बता रहा हूँ मैं। तो इसी के साथ यार इस वाले एपिसोड में एक कदम को न्यू शूज मिलते हैं जिसके ऊपर यार एक इंडिगो लिखकर लोगो बना हुआ है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं
रहे हैं कि भाई ये लिको एंड रॉय का रेफरेंस है, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा है। ये रेफरेंस है एस किजम की ओल्ड केप का, उजी केप का, पहली केप का, जो कि एक अच्छी बात है। एंड बोला है ना अंति शुरुआती शुरुआती अंत, ये इसी का रेफरेंस है। और एक और बात मुझे याद आ गया है यार, कुछ एपिसोड पहले एस किजम अपनी ट्रॉफी के साथ में गया था पहले टाउन में प्रोफेसर की लैब में पुराने पोकेमोन से मिलने। वहां पे वो अपने पुराने पोकेमोन से बोलता है कि यार तुम्हारा ध्यान रखना, मैं बहुत टाइम तक तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। तो वो एक्चुअली ओल्ड पोकेमोन को रेफर नहीं कर रहा था, वो हम सभी फैंस को रेफर कर रहा था। सो इनडायरेक्टली एस किजम ने फोर्थ वॉल को ब्रेक किया और हम सबसे बात की। ये बात सुनकर मुझे और ज्यादा रोना आ चुका है, अब मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, मुझे जाना है रोने यार। तो मैं चला रोने एंड मेंबर क्यू एन ए वीडियो आ चुका है, जाके देख लेना। एंड बाय बाय, तुम भी रो लो यार।